વેલકમ બેક. હાલમાં ઇલેક્શન કમિશનની પ્રેસ કોન્ફરન્સ થઈ રહી છે, સીધા જોઈએ ત્યાં. અમારા દાયિત્વ હૈ કે જો અમારે બુઝુર્ગ હૈ ઓર જો અમારે દિવ્યાંગજન હૈ ઉનકો હમ મતદાન કે લિયે પ્રેરિત કરે ઓર ઉનકો અધિક સે અધિક મતદાન કરાએ. હમારે ઇસ પ્રયાસ સે અભી જો એક રાજ્ય મેં ઇલેક્શન હુઆ થા, મેં આપકો બતાના ચાહુંગા કે ઉસમેં 90% જો દિવ્યાંગજન થે ઉન લોગોને વોટ દિયા થા. તો એક અપને આપ મેં એક મિસાલ હૈ ઓર હમ ચાહેંગે કે વો મિસાલ હમારે ઇસ રાજ્ય મેં ભી પૂરી તરહ સે ચલે. और आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्रदेश में पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांग मतदाताओं को और कोविड अफेक्टेड मतदाताओं को आयोग घर द्वारा घर पर ही बैठे हुए पोस्टल बैलेट की ऑप्शनल सुविधा प्रदान करेगा. मतलब कि आपकी इच्छा है, हम तो आपको चाहते हैं कि आप आए हमारे पोलिंग स्टेशन पर जो कि पूर्णतः आपके लिए सुरक्षित हैं. उसके बावजूद भी अगर कोई लोग नहीं आना चाहते, जैसे 80 प्लस के आदमी हैं, अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो ECI विल गो टू देयर डोर स्टेप. ECI इज एट द डोर स्टेप ऑफ दीज सीनियर सिटीजन्स, ऑफ दीज दिव्यांग पर्सन्स एंड दीज पर्सन्स हु आर एब्सोल्युटली कोविड अफेक्टेड. वी विल गो टू देयर होम. लेकिन इसमें पूर्णतया पारदर्शिता बढ़ती जाएगी. कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का थोड़ा सा कंसर्न था. मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग भी इस तरह से अपने फॉर्म भरेंगे और जो इसमें आना चाहेंगे कि हम घर से ही वोट देना चाहते हैं, उनका नाम पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा. जो हमारी टीम जाएगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, टाइम बताया जाएगा. सो और ये भी मेंटेन किया जाएगा सीक्रेसी डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी सीक्रेट बैलेट. सो सीक्रेसी मेंटेन रहे, लेकिन साथ में पारदर्शिता हो और निष्पक्षता हो. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और चुनौती है जिसको कि हम लोग पूरा करेंगे. और सभी लोगों को उसमें हम लोगों का सहयोग देना चाहिए कि अगर हम उनके घर पर जा रहे हैं, पहली बार इस तरह की सुविधा दी जा रही है. हालांकि बहुत से लोगों ने इसको नहीं लिया और उन्होंने कहा चूंकि ये तो एक पर्व है और हम लोग जाना चाहेंगे बूथ पर. तो जो हम लोगों ने बिहार में इस तरह से सबसे पहले शुरू किया था, तो वहाँ पर कुल 3% लोगों ने कहा कि हम आपको घर बैठे बैठे हम इलेक्शन करेंगे, बाकी लोग तो सब बूथ पर ही आए थे. तो इस तरह से यहाँ पर भी हम चाहेंगे जो जो लोग फॉर्म भरेंगे उसकी विधिवत सूचना दी जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज को और उनको पूरी तरीके से, जो मेरा एक सुझाव है हमेशा कि DCI इज एट योर, ECI इज एट योर डोर स्टेप. तो ये इसके द्वारा हम चाहेंगे कि मतदान इसी तरीके से हो और उन लोगों को हम मतदान में भागीदारी बना सके. अब मैं आपको मतदान केंद्रों, मतदाताओं की सुविधा के बारे में बताना चाहूँगा. कोविड को ध्यान में रखते हुए पहले जो हमारे बूथ थे वो 1500 लोगों के ऊपर एक बूथ बनाया जाता था. हमने इसको घटाकर 1250 कर दिया है और इसलिए ऑन एन एवरेज 860 लोग एक बूथ के ऊपर बनाए गए हैं. इससे हमारी जो पोलिंग बूथ की संख्या है वो 11,000 बढ़ चुकी है ऑलरेडी. तो इसके कंसिक्वेंस में जितना स्टाफ वगैरह लगाना होता है वो भी बढ़ गया है, जिनके लिए ज़्यादा लोग लगाए जाएंगे. तो अब हमारे बूथ जो हो गए हैं वो 1,74,351 मतदान स्थल हैं और इस तरह के बूथ हमारे जो बढ़ाए गए हैं वो 11,000 हैं. सभी DOs को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर भी पोलिंग स्टेशंस, किसी भी लोकेशंस पे अगर 5 पोलिंग बूथ हैं तो वो खुद जाकर उसकी समीक्षा करें,